अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा सजदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आइए आज 19 मार्च 2022 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश के शहर रहमताबाद शरीफ में वाक़ फ़खरे हिंद हुजूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्ला नायब रसूल सरकार व हज़रत सैयदा हबीबुन्निसा अम्मा जान साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह की रूबरू वाक़ मदीना मस्जिद में जलसा शब बरात मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत शाह गुलाम नक्शबंद हफीज़ पाशताब सजदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ ने फरमाई। और इस मुक़द्दस मुतबरिक जलसे को हज़रत शाह गुलाम नक्शबंद जुनेद पछता फरदंद व नायब सजद रशीन बारगाह नायब रसूल अहमदाबाद शरीफ और हजरत मौलाना शजरुल इस्लाम इमाम व खतीब मस्जिद हाजा ने मुखातिब किया। लीजिए अहमदाबाद टीवी चैनल पर जलसे शब बारात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जा रही है। आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर अपने बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर अपने बंदों से कहता है मांग लो, हमने इसलिए ही बनाई शबे बारात। मुअज्जज़ सामईने इकराम, अभी अभी मैंने जिस आयते करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया हो, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसका माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन हर हिकमत वाले काम को तस्लीम फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हर हिकमत वाला काम को आज के दिन तस्लीम फरमा दिया है। हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान उस शाबानुल मुअज्जम में बहुत ही जोश और खरोश के साथ इबादत को रियादत किया करते थे। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला की शबे बारात की फजीलत को बयान फरमा दिया है, तो चलिए हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहदीस पर नजर डालते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे बारात को यूं शबे बारात की फजीलत किस तरह बयान फरमाए हैं, किस तरह कहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है यूं इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, क्या तुमको पता है कि शबे बारात के रात में क्या होता है। वो अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह, आप ही बता दीजिए कि शबे बारात के रात में क्या होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शबे बारात के दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में जितने भी लोग इस साल पैदा होंगे और जितने भी लोग इस साल मरेंगे, उनका पैदा होना और उनका उनका जो है मरना इस शबे बारात के दिन लिखा जाता है। शबे बारात के दिन आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जितने भी लोग पैदा होंगे, जितने भी लोग मरेंगे, उनका मरना और लिखना इसी रात में लिखा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को यह हुक्म देता है कि ऐ उन फरिश्तों को यह इत्तला दी जाती है कि फरिश्तों, इस रात में, इस साल में जितनी भी रोजी है मखलूक को मिलना है, वो मखलूक को जितने भी रोजी है इस साल में कितनी मिली है, यह भी अल्लाह तबारक व तआला लिखा जाता है। और इस शबे बारात की फजीलत यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाता है और रात में जो है सूरज डूबने के बाद ये इरशाद फरमाता है कि हर कोई बंदा मुझसे माफी मांगने वाला के तो इसको माफ फरमा दो, हर कोई बख्शिश कर चाहने वाला जिसको मैं बख्श दो, हर कोई रिस्क मांगने वाला के मैं उसको रिस्क अदा करूँ, हर कोई मुसीबत वाला उसकी मैं मुसीबत को दूर करूँ, हर कोई परेशान हाल उसकी मैं परेशानी को दूर 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 कर दूँ। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद नबी में नमाज
नशीन या नायब सजादा नशीन है, जायरीन के साथ बहुत ही उस उसलूब के साथ मिलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि हजरत अपना वक्त निकाल करके, दोनों हजरत अपना वक्त निकाल करके जायरीन से मिलते हैं। मिलने के बाद हमारी परेशानी हमारी अरीजा को सुनते हैं, दरबार में पेश करते हैं। आपको मालूम होगा ये दुनिया की दस्तूर है, आप किसी बड़े ऑफिसर के घर जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऑफिसर से मिलने के लिए उसके जो घर में रहने आजू बाजू लोग रहते हैं उससे पहचान बनानी पड़ती है, उसके बाद जाकर फिर हम अरीजा दे पाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात है मेरे दोस्तों, यहाँ के साहिब सज्जादा नशी से आप डायरेक्ट भेज सकते हैं और जाकर अरीजा दे सकते हैं, कह सकते हैं मैं ख्वाजा के दरबार में आया तो मैं इस मकसद से आया हूँ, मेरी अरीजा आप ख्वाजा के दरबार में भेज कर बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता कि आप जो यहां पर बैठे हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपसे मोहब्बत करता या अल्लाह से आप मोहब्बत करते, ये वाकिया की रोशनी में, किताब की रोशनी में आपके सामने पेश करता हूं मेरे दोस्तों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने तो ऐसी बात आज तक नहीं सुनी, ये कैसी बात बोल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें या ना करें। ومن قلب سدا فاروا شيئا فهم لا يبصرون وسماء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه